जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इसकी एक्सरसाइज रहती थी। अब मैं एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं करवा रही, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम हम डन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क्याम कब अमल में आया, ये इसका आंसर है जी, ये जीम वाला 1886। बरसगीर में दो कौमी नजरिए की इस्तलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? सर सैयद अहमद खान ने। बरेसगीर में वजीरे अमूरे हिंद का उहदा सबसे पहले किस एक्ट में मुतारिफ कराया गया? 1858 में। काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक किस सूबे से था? सूबा बलोचिस्तान। कायद आजम ने अपने 14 नुकात कब पेश किए? 1927। तहरीक खिलाफत कब स्टार्ट हुई? 1919 में। बंगाल की तकसीम कब हुई? 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग का क्याम किस शहर में अमल में आया? ढाका में। सर सैयद अहमद खान ने तर्जाला तहसीबुल इखलाक कब जारी किया? इसका आंसर है आई थिंक 1875 में। इसको हम चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर अपनी कंफर्मेशन कर लेते हैं। रिजाला तहजीबुल इखलाक, ये जब आप कर रहे थे ना तहरीक अलीगढ़, तो उसमें जो समाजी और मुआशरती खिदमात थी ना, ये आंसर उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैं ये फौरन निकाल लेती हूँ, इसमें चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये है ना, ये आ जाएंगी जी, ये सियासी हैं और इसमें शायद पीछे ये आएंगी, रिसाला तहजीबुल इखलाक ये है जी ना 1870। सर सैयद अहमद खान ने 1870 में रिसाला तहजीबुल इखलाक जो है वो शाया किया था। अच्छा आगे चलते रहे, आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है, ताकि हमारी एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाए, फिर हम लोग ना नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर। ये था जी साला तहजीबुल इखलाक 1870। कायदे आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913। ठीक है, और ये अब बाकी जो हैं ये शॉर्ट आंसर्स और वो लॉन्ग क्वेश्चंस ये आप खुद कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट है आज से आईनी इरतका, ये 1947 से 1973 तक है। ठीक है, 1947 में आपको पता है कि पाकिस्तान का क्याम अमल में आया था, तो उस वक्त हमारे पास कोई आइन उस तरह से नहीं था पाकिस्तान का बकायदा ना। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम किया था 1935 का एक्ट, अगर आपको याद हो तो उसी में ही थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके पाकिस्तान ने, फॉर द टाइम बीइंग ना, उस वक्त चूंकि हमारे पास इतना एकदम से टाइम भी नहीं था पाकिस्तान के पास के एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, तो जो आइन पहले से चल रहा था 1935 का एक्ट, तो उसी में थोड़ी सी तरमीम करके तो वो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर उसके बाद कोशिशें की गई के जी कोई अपना आइन बनाए, वो हम पढ़ लेते हैं। ये देखें जी, तख्लीके पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए नेमत उज़्मा और बारगाह एज़दी की तरफ एक अतिया है। ये मुल्क मुसलमानों की अनथक कोशिशों और कायदे आजम की मुदब्बराना बसीरत का समर है। बकौल अमरीकी सदर ट्रूमैन, ममलिकत पाकिस्तान का मैमार दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का बाप है। मुझे यकीन है कि मिस्टर जिन्ना की गैर मामूली क़यादत पाकिस्तान और इसके बाशिंदों के लिए मशाल राह साबित होगी। ये देखें, ये कोटेशन किसकी है? कोटेशन है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बयान किया था कि जो पाकिस्तान का मुल्क है ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत होगी, और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो कायदे आज़म मुसलमानों के लीडर हैं उनकी क़यादत जो है वो गैर मामूली है, और इसके पाकिस्तान के जो बशिंदे हैं उनके लिए उनकी कयादत मशीले राह साबित होगी। पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो महज नजरियाती और मजहबी नुक्ता निगाह से 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर रमदार हुई। हर नौजायदा मुल्क को अपने क्याम के फौरन बाद आइन की जरूरत पड़ती है। आइन एक ऐसा सियासी ढांचा होता है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। पाकिस्तान की कौमी जिंदगी में आइन साजी का मसला तवील अरसे तक एक मुअम्मा बना रहा। इस ज़िमन में मुतअद्दिद तजुर्बात भी किए गए। पाकिस्तान को इस मुअम्मे के हल के लिए मुख्तलिफ कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा, जिनकी तफसील ये है। अब इस मुख्तसर सी पैराग्राफ में सिर्फ उन्होंने ये बताया पाकिस्तान का क्याम जो है वो 1947 में अमल में आया है, 14 अगस्त 1947 में, और उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई आइन नहीं था, तो लिहाजा जो कायदे आजम की हमारे पास पर्सनैलिटी थी, जो क़यादत थी, तो उसके मुताबिक और उनके गाइडेंस के मुताबिक जो है पाकिस्तान का आइन बनाने की तरफ कोशिशें की गई। तो देखते हैं कि उस वक्त जो हमारा आइन बना
जो 19 मैंने जैसे आपको बताया था 35 पे एक्ट था, तो उसमें तरामीम कुछ करके बनाया गया, तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का अबूरी आइन यानी इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। हसूल आज़ादी के बाद पहले आइन की तैयारी तक 1935 का कानून ही चंद तरामीम के साथ अबूरी आइन के तौर पर इख्तियार किया गया, जिसके तहत ताजे बरतानिया की आइनी हैसियत बरकरार रही। वही गवर्नर जनरल पाकिस्तान के तकर्रुर की मंजूरी देता था। इस आइन के तहत वफाकी निज़ाम राइट किया गया। अच्छा आप ये देखें तरामीम उन्होंने क्या की। एक पहली तरामीम तो ये की कि जी गवर्नर जनरल का ओहदा तो वैसे ही वो बरकरार रहा, पहले भी गवर्नर जनरल 1935 के तहत था। तो पहला ये देखें इन्होंने कहा जी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइज किया, गवर्नर जनरल के इख्तियार जो थे वो महदूद थोड़े कर दिए, असल इख्तियार उन्होंने वजीर आजम का ओहदा क्रिएट करके वजीर आजम को दिया। ये पहला आइन था जो 1956 तक, क्योंकि 56 में पहला आइन बना है हमारा पाकिस्तान का ना, ये पहला आइन था जो 1956 तक नाफिजुल अमल रहा। अच्छा अब आइन बनाने के लिए देखें कुछ जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को जमा होने के लिए, तो ये जो हमारी पहली आइन साज असेंबली बनी, तो ये देखें कि उसके बारे में बताया है हमारी पहली आइन साज असेंबली। देखें कि नई आइन साज असेंबली के इंतखाब की बजाय 1946 के इंतखाबात में, ये आपकी बुक में उस वक्त 1946 के इंतखाबात का जिक्र तो नहीं था, तो लेकिन इसमें यहाँ पर जिक्र आया है कि 1947 में पाकिस्तान के क़याम से पहले 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इन इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हुई थी, और बहुत सारे जो मुसलमान थे वो उस वक्त की जो असेंबली थी उसमें पॉइंट होकर आए। तो वो कहते हैं कि बजाय इसके कि नई आइन साज असेंबली मुंतखब करते, उन्होंने कहा कि जो 1946 में ही जो इलेक्शंस हुए थे उसी के इंतखाबात में कामयाब होने वाले ऐसे अरकान पर मुश्तमिल एक आइन साज असेंबली तश्कील दी गई जिसकी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ थी। इस पहली असेंबली ने 10 अगस्त 1947 को कायद आजम को अपना सदर मुंतखब कर लिया, यानी पहला जो हमारी आइन साज असेंबली का लीडर क्यादत जो कायद एवान जिसको कहते हैं लीडर जो अपना मुंतखब हुआ, उन्होंने कायद आजम को अपना सदर मुंतखब कर लिया। आपने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद के सामने गवर्नर जनरल के अहदे का हलफ उठाया। ये देखें अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कह सकते हैं जी कायदे आजम को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 10 अगस्त 1947 को। ये देखें आगाज में असेंबली 69 अफराद पर मुश्तमिल थी, बाद में 79 कर दी गई। मौलवी तमीजुद्दीन असेंबली के पहले स्पीकर थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि असेंबली के हमारे पहले स्पीकर कौन थे, मौलवी तमीजुद्दीन असेंबली के पहले सदर थे, पहले स्पीकर थे। अबूरी आइन के तहत इस नई आइन साज असेंबली का इजलास बुलाया गया, जो आइन साज असेंबली के साथ मरकजी पार्लियामेंट भी थी, जिसने 44 कवानीन की मंजूरी दी। इसमें से प्रोडा पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स क्वालिफिकेशन एक्ट 1949 अहम तरीन कानून था। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, आप सबसे पहले देखें फिलहाल तो उन्होंने क्या किया, हमने पीछे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे पास आइन नहीं था जब पाकिस्तान बना है, तो हमारे इस चैप्टर का नाम ना देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कि आइनी इर्तका हमारा आइन कब बना और आइन बनते बनते क्या स्टेप्स थे जो आइन बनाने के लिए यूज में आए या क्या कोशिशें की गई, तो उनमें देखें ये सबसे पहले जो हमारे पास करारदादे मकासिद आती है। अच्छा नहीं बल्कि इससे पहले ही मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारे पास आइन नहीं था, तो हमने 1935 का जो पहले जिससे हिंदुस्तान में मौजूद था उसी में थोड़ी सी दो तीन तरामीम करके उसको अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जब वो असेंबली 1946 के इलेक्शंस के में बनी थी एक असेंबली, तो उन्हीं अफराद को आइन साज असेंबली के तौर पर बनाया गया और उन्हीं अफराद से कोशिशें करवाई गई या उन्हीं को कहा गया कि आप पहला आइन बनाने के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार करें या कोई प्रपोजल्स दें। तो उस सिलसिले में देखो सबसे पहली जो चीज सामने आई है, जो सबसे पहले कोशिश थी वो करारदादे मकासिद। अगर आपको पीछे याद हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, एक रेजोल्यूशन पहले भी हमने पढ़ी है करारदादे लाहौर, अगर आपको याद हो लाहौर रेजोल्यूशन, या उसको मैंने कहा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि बच्चों रेजोल्यूशन एक और भी टर्म यूज होती है करारदादे मकासिद, तो वो यही करारदादे मकासिद है। बच्चे ना
अक्सर ये मिक्सअप कर जाते हैं कि अगर उनको आती है जी करारदादे लाहौर लिखें तो वो करारदादे मकासिद लिख देते हैं, और अगर कहा जाए करारदादे मकासिद लिखें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखें, तो वो लाहौर रेजोल्यूशन लिख लेते हैं। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना। अच्छा, करारदादे मकासिद स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये 12 मार्च 1949, ये डेट याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि करारदादे मकासिद का पेश की गई 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, आपको पहले वजीर आजम का नाम लियाकत अली खान की तहरीक पर आइन साज असेंबली ने करारदादे मकासिद मंजूर की, जिसके तैयारी में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने अहम किरदार अदा किया। करारदादे मकासिद ने पाकिस्तान की आइन साजी में नहायत अहम मकाम हासिल कर लिया। करारदादे मकासिद के अहम नुकात ये थे। अब देखें इस करारदाद में प्रपोजल्स क्या आई हैं कि जो हमारा पहला आइन होगा वो किस चीजों पर बेस होगा। देखो हमारा आइन किन चीजों पर बेस होगा, हमारा पाकिस्तान क्याम किस चीज पे बेस में आया था, हमारा मजहब इस्लाम, और इस्लाम में देखें कि हम इस्लाम में किन किन चीजों को मानते हैं, उन चीजों को हमने बेस बनाकर अपना आइन बनाना था। ये देखें सबसे पहले उन्होंने प्रपोजल दी कि इक्तदारे आला जो होगा, जो सॉवरेनिटी होगी वो अल्लाह को हासिल होगी, इक्तदारे आला या हाकमियत, इंसानों की कुल कायनात पर वाहिद हाकमियत अल्लाह ताला की है, जो उसने अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल की है ताकि वो अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करें, जो एक मुकद्दस अमानत है। सेकेंड उन्होंने प्रपोजल क्या दी कि जी इस्लामी असूलों को अपनाया जाएगा, जो भी आइन बनाया जाएगा वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस करेगा, पाकिस्तान में इस्लामी इकदार को फरोग दिया जाएगा, जमहूरियत आजादी मसावात रवादारी और माशरती इंसाफ के इस्लामी असूलों पर अमल किया जाएगा। थर्ड उन्होंने क्या प्रपोजल दी जी कि इस्लामी तर्ज जिंदगी, अगर आपको पीछे याद हो हम करते थे ना कि पाकिस्तान के वो मुसलमान हिंदुस्तान के जो थे वो हमेशा अपनी कोशिशों में थे कि कोई ऐसी ममलिकत हो जिस पर हम जिनमें हम बस कर जो है वो अपनी जिंदगी को इस्लामी जो है प्रिंसिपल्स के मुताबिक ढाले, तो वो हमारा आइन के जो बेस बना, जो उन्होंने प्रपोजल दी कि हमारा आइन चीज पे बेस करेगा, वो ये था कि इस्लामी तर्ज जिंदगी हो, कि मुसलमानों के इनफरादी और इज्तमाही शोबों में अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा जी कानून साजी कैसी होगी कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा, और यहाँ इस्लामी असूलों से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, ठीक है ना, कि कुरान पाक और सुन्नत में जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए कानून बनाए जाएंगे, उनके अलावा हम कानून नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने कहा जी बुनियादी हकूक को तहफ़ुज़ फराहम होगा, बुनियादी हकूक में क्या लिखा है जी, तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज माशरती मुआशी सियासी और मजहबी हकूक हासिल होंगे, मजीद बरा, मजीद बरा यानी कि इसके अलावा उन्हें फिक्रो तफक्कुर की आज़ादी हासिल होगी, वो तंजीम साजी यानी अपनी कोई जमात बना सकते हैं, और आज़ादी इज्तमा, इज्तमा यानी कि जुलूस निकालना या कहीं जमा होना, उसकी आज़ादी होगी ताकि वह अपनी शख्सियतों की बेहतर नशोनुमा कर सके। अब देखें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उन्होंने कहा जी वफाकी तर्ज हुकूमत होगा, वफाकी तर्ज हुकूमत याद हो अगर आपको मैंने कहा था कि वफाकी तर्ज हुकूमत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें एक सेंटर होता है और बाकी प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस या इकाइयां भी उनको लफ्ज कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, प्रोविंसेस कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी वफाकी तर्ज हुकूमत का पाकिस्तान एक विफाक होगा जिसमें सूबों को आईनी हदूद के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल होगी। अब जी देखिए माइनॉरिटीज के बारे में भी जी ख्याल आपको देख आपको पता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अकलियतों को भी, गैर मुस्लिमों को भी कहते हैं कि उनको अपने मजहब को अपनाने की, उनको मजहब की पैरवी करने की इजाजत हासिल हो, ये हमारा मजहब कहता है ना, और दीन पर कोई जबर नहीं, ये भी कहा जाता है कि जबरदस्ती भी किसी को हम मुसलमान नहीं बनाएंगे जब तक उसको अपना दिल अपना जहन जो है वो उसको तस्लीम ना करे, ठीक है। तो ये देखो इसमें कहा गया जी अकलीतों का तहफ़ होगा कि पाकिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को मुकम्मल आज़ादी और तहफ़ मिलेगा, उन्हें अपनी मजहबी फराइज अदा करने और इबादत गाहें तामीर करने की इजाजत होगी। अच्छा पसमानदा जो गैर डेवलप्ड कंट्री वो एरियाज हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी पसमानदा इलाकों के बारे में कि पसमानदा इलाकों को सियासी माशरती और माशी शोबों में तरक्की और
शिरकत और तरक्की के मसावी मौके मुयसर आएंगे और उनके हकूक को कानून तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये देखिए अच्छी प्रपोजल्स थी, इनमें देखें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब ये भी देखें कि अदलिया का क्या स्टेटस होगा कि अदलिया आज़ाद और कौम मुख्तार हो, इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। दबाव किसका? इंतजामिया का, मतलब सदर, वजीर आजम, काबीना के लोग। उन्होंने कहा कि अदलिया जो है बिल्कुल जो फैसले करेगी वो उसमें पाबंद नहीं होगी कि वो उन बड़े बड़े लोगों को के दबाव में आए, वो इंसाफ के तकाजे अपने इख्तियार के मुताबिक पूरा करने की हामिल हो। फिर उन्होंने कहा जो एक डिफेंस है हमारे मुल्क का, डिफेंस दिफा जो है वो किसके पास होगा? उन्होंने कहा पाकिस्तान की बर्री बहरी फजाई हदूद के दिफा का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा और विफाक में शामिल तमाम इलाकों की सालमियत और मुल्की अज़ा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा ताकि पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल हो और अक़वामे आलम में अपना जायज़ और बावक़ार मुकाम हासिल कर सके। अच्छा ये देखिए यहाँ तक ख़त्म हो जाती है आपकी क़रारदाद मुकासिद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई, यानी ये वो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे, वो बुनियादी बातें थी कि जिनकी बेस पर उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जो है वो अपना पहला आइन बनाएगा। अब इसकी अहमियत थोड़ी सी इन्होंने इसमें दी हुई है, ये पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद को बरतानिया के मंशूर आजम, यानी मंशूर आजम यानी सबसे पहला जो बाकायदा एक आइन बरतानिया का बनाया गया, ये 1215 बनाया गया था, मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, ठीक है, डेट आपने याद रखनी है। 1215 में ये बरतानिया का मंशूर सबसे पहला बाकायदा आइन एक आया ना कि जिसके मुताबिक फिर आगे बरतानिया के तमाम आइन जो थे वो उसकी बेस पे बनाए गए। मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है इस करारदाद के जरिए तख्लीक पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक और इस्लामी माशरे के क्याम के क्याम को मुल्क का नस्बुल ऐन करार दिया गया। इसलिए इसको पाकिस्तान के तीनों दसातीन या दसातीर यानी आइन 56 का आइन, 62 का आइन और 73 के आइन में इफ्तताहिया के, तो इफ्तताहिया यानी फॉरवर्ड जो पहला जो पेज पे वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा होता है ना, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंट्रोडक्शन के तौर पर ये जो करारदाद मकासद है इसको हम ऐड कर लिया करेंगे, हर आइन ये जो जो बने थे इनमें इनको ऐड किया गया, इफ्तताहिया के तौर पर शामिल किया गया, लिहाजा ये मुल्क आइनी तारीख में खास अहमियत रखता है। अच्छा आगे बुनियादी सुनों की कमेटी है, बच्चों हम इस लेक्चर में हम ऐड नहीं करते क्योंकि ये आगे मैं बताती हूँ, ये सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन इसका बता देते हैं कि ये जो करारदाद मकासिद हुई थी ना इसको कंसिडर करने के लिए कि जी तमाम जो जमातें हैं इस पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें हैं वो कम अज़ कम इस जो हमने पॉइंट्स प्रपोजल्स जो पेश किए हैं ये करारदाद मकासिद की सूरत में कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं, तो उनकी राय जानने के लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है, उसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, बुनियादी असूलों की कमेटी। अब हम देखेंगे कि इस कमेटी ने क्या प्रपोजल्स पेश की कि जी इस आइन ये जो बेस हमने बनाई करारदाद मकासद को, या आगे जैसे लिखा हुआ है ना करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद 1949 में ही आइन साजी के काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई, इनमें से सबसे आम बुनियादी सुलूक की कमेटी थी, यानी प्रपोजल्स को तस्लीम कर लिया गया तमाम सियासी जमातों ने, जो आए पहली जो हमारी दस्तूर साज असेंबली थी ना उसमें तमाम जमातों ने, मैंने अभी जैसे वैसे कहा था कि जिस मसी सियासी जमातों की इस पे रिकग्निशन उनकी मर्जी मालूम करने के लिए, तो वो मर्जी उनको मालूम करके फिर आइन के बारे में बनाने के लिए एक मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई जिसमें से एक सबसे अहम कमेटी बुनियादी सुलूक कमेटी थी। तो ये इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे, फिलहाल आज हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ ताकि हम इसको क्विट कर जाएं। अपने आप लोगों ने बच्चों बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है, और कोशिश करें कि साथ साथ जो हम कर रहे हैं इसको आप जो है वो साथ साथ मतलब याद करते जाएं तो बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप जो है वो एक ही बार जब पेपर हो तो आप बुक खोलो या उस वक्त आप याद करो, तो कोशिश करो कि साथ साथ
जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एक लेक्चर एक हम मैं एक मीटिंग में करती हूँ, तो आप उसको आप सुन लेते हो, तो कोशिश करो कि उसको याद भी कर लिया करो, ठीक है? इस तरह याद करोगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ना आपको अपनी एक जो पेपर जब होंगे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।